मैं विनोद मेहता, न्यूरो आर्टिस्ट एंड विजुअल आर्टिस्ट। मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ NTL का, जिसके थ्रू मैं आपके सब जो रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं आपने पहले बहुत से पेंटर देखे होंगे, आर्टिस्ट जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। मैं फिंगर से और 30 सेकंड में बनाता हूँ पेंटिंग, जो मेरे थॉट्स होते हैं उस मोमेंट, वही मैं उसमें डिपिक्ट करता हूँ। तो आइए देखिएगा मैं किस तरह से उसको पेंट करता हूँ। तो मेरे कलर्स का भी स्पेशल फिगनिक वेंस होता है, जो उसके ऊपर वो सूट करते हैं वही बनाता हूँ। हर एक कलर जो है वो अलग कन्वे करता है आइडिया। चलिए इसमें पेंटिंग में मैंने जो बनाया है वो ये दिखाना चाह रहा है कि आदमी आज़ाद रहना चाहता है,
आज़ाद जो है ना हमारे, अब आज़ादी किसी को भी नहीं है, ना तो ये मीडिया को है, या मीडिया से भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया को भी अपना जो आइडिया है उसको फुली जो है स्वतंत्रता से वो कर नहीं सकते, कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं, उसको खींचने के लिए बहुत सी रस्सियाँ, बहुत सी जंजीरें पड़ी हैं, ऐसे ही घरों से लेके, अगर घरों से भी देखा जाए तो आप भी इंडिपेंडेंटली कोई भी रह नहीं पाते हैं, खींचने वाले बहुत होते हैं। तो इसलिए संसार, ये जो समाज है हमारा, इसमें आपको इंडिपेंडेंटली कुछ करने नहीं देते, कोई उड़ना चाहता है, कोई हवा में सांस लेना चाहता है तो वो ले नहीं पाता है, तो ये उसी की मजबूरियाँ दिखाई गई हैं कि वो इंसान जो है काफ़ी कुछ करना चाह रहा है लेकिन उसकी मजबूरियाँ उसको खींच रही हैं, कुछ समाज खींच रहा है, कुछ उसके घर वाले ही खींचते होते हैं। तो ये मैंने इस पेंटिंग में दिखाना चाहा है। ये पेंटिंग, यही इंसान है जो मैंने, हर आदमी जब कोई पिक्चर भी बनती है उसमें भी तकरीबन कहीं ना कहीं जो वो पर्सनल जो होता है टच जरूर होता है। हम कहते हैं समाज, समाज की बात तो जरूर है लेकिन वो उसमें अपने पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये मैंने अपने आप को भी दिखाना चाहा है, मैं खुद भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, किसी भी फील्ड में करना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरे को खींचने के लिए वो आने देते ही नहीं है, परिवार से लेकर समाज तक, और राजनीतिक भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को ऊपर आने देती नहीं है कि आपके पास वो है ये है, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल देंगे कि आपको इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये मैं पेंटिंग या मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हर आदमी को आज़ादी से रहने की इजाज़त दी जाए। ये पेंटिंग्स मेरे स्टूडेंट ने 3 साल पहले शुरू की थी, पहले तो वो ऑर्डिनरी पेंटिंग बनाती थी, एक्चुअल वो जो है 2 साल हो गए हैं उसको मेरे से सीखते हुए, उसका नाम अर्शीन है। तो ये बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाती है, अपने इमेजिनेशन से बनाती है। अब उसका ये माइंड में भी है कि आगे मैं बच्चों को सिखाऊं, जो कुछ उसने मेरे से सीखा वो आगे दुनिया में देना चाहती है। Here is my student, Arshin. Arshin. I am Arshin Walia. Hi Arshin. Arshin, कब से पेंटिंग कर रहे हैं आप? 3 years से. 3 years से. क्या क्या प्रेरणा थी आपको, या शुरू से शौक था या आपको? या मेरा शुरू से शौक था और मेरा पैशन भी रहा उस करने का। अच्छा, ये अपने फिंगर से बनाई है जैसे सर बनाते हैं आप? ये मैंने ब्रश से बनाई है। सारी ब्रश से बनाई है? ब्रश से बनाई है। तो प्रोफेशनल पेंटर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पेंटर बनना चाहते हो और सारा मैसेज भी, लाइक मैसेज भी देना चाहते हो। क्या मैसेज है आपकी एक पेंटिंग को? एक पेंटिंग बता दीजिए हमें। लाइक ये जो ऊपर बनाई है आपने, ये पेंटिंग रिफ्लेक्शन, स्किन रिफ्लेक्शन थ्रू बताएगी है। ये हाईलाइट, आई एम डार्क स्किन लेकिन उससे मेरी ब्यूटी भी शो करेगी है, कैंडल के साथ ब्राइट शो करेगी है। ठीक है।